INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वर्तमान सरकार से आप लोग कितने खुश हैं? वो सरकार तो कुछ नहीं किया है, हम लोग चिराग पासवान को लाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो पहले हुआ उसको हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो आगे के बारे में हम लोग को सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो उसेरी गांव में मुखिया थे रामचरण प्रसाद यादव, जो अभी विधायक से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनको विधायक से अच्छी तरह से वोट देकर जिताए और एक इतिहास में भी नाम हो जो हमारे उसेरी बिहार में एक विधायक हो। केसरिया विधानसभा के जो प्रत्याशी है रामचरण प्रसाद यादव जी, वो भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं और तमाम जनता का से अनुरोध है कि भारी मतों से जो एक वोट किसी को दे रहे हैं तो ज्ञान कर रहे हैं कि टोटल वोट रामचरण यादव जी की क्षेत्रीय नेता का मांग है, क्षेत्रीय ही नेता ही केसरिया में जीतेंगे। और जो विकास किए हैं 20 साल से मुखिया है, उन्हीं के द्वारा ये पंचायत में जो विकास हुआ है, दूसरा कोई विधायक ना कोई सांसद से विकास हुआ ही है, ये रामचरण यादव ही लोग चाह रहा है। रामचरण यादव को हम लोग सब ब्यादरी के जो वोट है वही ना जीतेंगे चुनाव, कि लोग बहुत तो वोट कटवा खड़ा हो गए हैं केसरिया विधानसभा में, कि कोई वोट 5 हज़ार काट लेगा 2 हज़ार काट लेगा, लेकिन उस काटने से फर्क नहीं पड़ेगा। यानी केसरिया में रामचरण यादव से कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है। वैसे जब फोन कर दिया जाता है तो रामचरण यादव वहाँ पहुँच जाते हैं और जनता के समस्या का समाधान करते हैं, और दूसरा कोई नहीं करता है। लोग अपने ब्यादर के लोग के काम करता है, यहाँ जात पात नहीं रख सकते हैं, सब जात का काम करते हैं। हम लोग समाज के वोट करेंगे, रामचरण यादव के करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उन्हीं को हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, जिससे में हमारे रामचरण प्रसाद यादव हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जब जहाँ खोजिएगा वहाँ हाजिर रहते हैं, कॉल कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर आइए, ये काम है, बेचारे हमेशा पहुँचने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ कहेंगे कि उन्हीं को हम लोग जिताएंगे और उन्हीं को विधानसभा भेजने का काम करेंगे, और उन्हीं पर हम लोगों का उम्मीद है कि हम लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। वर्तमान सरकार रोजगार रोजगार के बारे में कुछ कहिए क्या? ऐसे में तो रोजगार के लिए सब कोई कह रहा है, नीतीशो जी कह रहे हैं कि इतना रोजगार देंगे, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं इतना रोजगार देंगे, लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर। अभी तक हो नहीं पाया है, अभी तक रोजगार जितना भी लोग अथी किया है सब झूठी वादा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम नया चेहरा को चिराग पासवान को ही हम लोग चाहते हैं। जब सरकार बनाना रहता है तो कोई अपना प्रलोभन जनता को देता है कि हम ही कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब जनता उतना बुर्बक नहीं है, जनता खिलाफ हो गया, सब लोग अब जमीन से जुड़े हुए नेता को चुन रहे हैं। इसलिए रामचरण प्रसाद यादव जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हीं को हम लोग जिताएंगे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्या नाम है मुखिया जी का आपके? रामचरण यादव। यादव, वो अच्छा काम किए हैं? हाँ, अच्छा काम किए हैं, तभी ना आप बोल रहे हैं कि उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा काम किए हैं, सब का होटल बड़ा सब देखते हैं, सब अच्छा। सब देखते हैं, जब बुलाने पर जहाँ बुलाए वहीं जाते हैं, हर दुख में जो दुख पड़े जाइए बोलिए उसका समाधान करते हैं। रात आइए कोई बात नहीं है, उनके लगे सब दुख सुना जाता है। चिराग पासवान को हम समर्थन में है, सारी समस्या का समाधान करते, सारी रामचरण यादव समाधान करते, जो जो विकास हुआ रामचरण यादव का तरफ से हुआ है, मुखिया जी का तरफ से। हाँ, मुखिया जी गांव में विकास किए, बहुत विकास किए, बहुत विकास किए, रोड और सब देख लीजिए, विकास अच्छा भी है, सब यूनिक कराया गया है, हर जनता का विकास किए हैं। किसी विधायक ना सांसद का है, कोई विधायक तो कोई देखने ही नहीं आते हैं। कहा राजेश जी जीते हैं 5 साल में कितना दिन आए, कौन कौन काम फंड किए हैं राजेश जी? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया। एक सीध जाते हैं मौलाना के पास, गांव में घूमने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं, से हाँ कैसा हमारा जनता का हाल है, क्या है, बाढ़ ओढ़ में किधर घूमे, कोरोना में बाढ़ में, कोरोना में भी काम नहीं आए, आप वोट क्या लगे में ये करेंगे वो करेंगे क्या करेंगे, 5 साल में तो कुछ नहीं आप किए, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यही है। हम लोग रामचरण यादव घूमे हैं, भारी मोहब्बत से हम लोग बिता रहे हैं।